गाजा के भीतर रफा हमास का इकलौता किला बचा हुआ है जिसे इजरायली सेना अभी तक भेद नहीं पाई है। रफा में चारों तरफ चप्पे चप्पे पर हमास के लड़ाके इजरायली सेना की मौत बनकर घूम रहे हैं। इजरायली सैनिक जैसे ही रफा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर हमास के लड़ाके गोरिल्ला स्टाइल में टूट पड़ते हैं। एक तरह से रफा गाजा का वो शहर है जो इजरायली सेना का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि हमास का ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रफा आईडीएफ के लिए कैसे एक मौत का कुआं बनता जा रहा है। दरअसल हमास के इन हमलों की वजह से इजरायली सेना जबालिया इलाके से पीछे हट रही है। वहीं दूसरी तरफ अलकासिम ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा के शेख जायद स्क्वायर इलाके में एक बड़ा स्नाइपर ऑपरेशन किया है। यहां पर अलकासिम ने एक स्नाइपर ऑपरेशन में दो इजरायली सैनिकों को ठिकाने लगा दिया है। अलकासिम ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसके लड़ाके इजरायली सैनिक और उनके वाहनों पर मोर्टार गोले दागते हुए दिख रहे हैं। अलकासिम ब्रिगेड का कहना है कि ये वीडियो रफा फ्रंट लाइन का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकासिम के लड़ाके दूर खड़े इजरायली टैंक पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है। इसी वीडियो में आगे देखने पर साफ दिख रहा है कि एक बिल्डिंग में आईडीएफ के तीन जवान तैनात होते हैं। इन सैनिकों पर अलकासिम का लड़ाका पहले तो घात लगाता है और फिर उन पर स्नाइपर राइफल से हमला कर देता है। इसी वीडियो में एक और बिल्डिंग में आईडीएफ के कुछ जवान हलचल करते हुए नजर आते हैं जिन पर हमास का एक दूसरा लड़ाका स्नाइपर राइफल से हमला कर देता है। इसके बाद हमास के कुछ लड़ाके एक लॉन्चर में रॉकेट भरकर दनादन उसे फायर करते हुए नजर आते हैं। और इन हमलों के बीच अलकुद्स ब्रिगेड ने भी दावा किया है कि उसने जबालिया कैंप की अल अजरमा स्ट्रीट पर कुछ इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और इस हमले में कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं। अलकुद्स ब्रिगेड का कहना है कि उसने इजरायली सैनिकों पर हैवी मोर्टार गोले दागे हैं। दरअसल पश्चिमी रफा के साला अल दीन गेट पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे जिन पर अलकुद्स के लड़ाकों ने हमला कर दिया। इसके अलावा अलक्सा ब्रिगेड ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें अलक्सा ब्रिगेड के लड़ाके रॉकेट फायर करते हुए नजर आ रहे हैं।